हेलो भाई, नमस्कार। मैं हूं दिनेश, स्वागत है आपका हमारे चैनल DSM एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बाथरूम की जो फ्लोर ट्रैप, यानी कि फ्लोर की ड्रेन जाली होती है, उसको किस प्रकार से फिट कर सकते हैं। आज हम इसको व्हाइट सीमेंट से फिट करने वाले। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। प्लम्बिंग से संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, जाली के बॉर्डर के चारों तरफ हमने वाइट सीमेंट लगा दी है। अब इसको पूरी तरह से हम उसको फिट करने वाले हैं बाथरूम फ्लोर पे। दोस्तों, इस प्रकार से आप जाली के चारों तरफ जो बॉर्डर है, दोस्तों जाली के होल में वाइट सीमेंट नहीं जाए, अच्छी तरह से आप इस बॉर्डर पे वाइट सीमेंट फिल कर दे, यानी वाइट सीमेंट की एक लेयर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बाथरूम के फ्लोर पे हम ये ट्रेन की जो जाली है उसको पूरी तरह से फिट कर रहे हैं। जैसे कि वो साइज का जो काला कटा हुआ है उसके माप की जो जाली है, हम उसको फिट कर रहे हैं। साइड में दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ छोटा जॉइंट रह गया, तो हम उसको व्हाइट सीमेंट पे अच्छी तरह से फिल कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम उसको अच्छी तरह से सील कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको फिल करना है पूरी अच्छी तरह से, ताकि गैप में पानी ना जाए और जाली कभी उखड़े नहीं। दोस्तों, जाली लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप इसको वाइट सीमेंट को कपड़े से पोंछ दें। अगर आप कपड़े से इसको जल्दी नहीं पोंछेंगे तो सूख जाएगा, तो टाइल्स ज़्यादा गंदा दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से इसको आप पोंछ दें। दोस्तों, जॉइंट में ये वाइट सीमेंट लगा रहना चाहिए, बाकी आसपास की जो वाइट सीमेंट लगी हुई है ऊपर साइड में आप इसको पोंछ के साफ कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।